बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया। 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत मिली थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर समर्थक उनके जुटे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 17 महीनों बाद जेल से बाहर आए हैं। यहां पर संबोधित भी कर रहे हैं अपने समर्थकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और तिहाड़ जेल के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए। जमानत पर रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करप्शन केस में उन्हें गिरफ्तार किया था और ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। तब से वो जेल में थे। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो 17 महीने बाद जब जेल से बाहर आए तो देखिए, मुस्कुराते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बाहर निकलकर आए। संजय सिंह इस मौके पर उनके साथ थे और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे, आपके समर्थक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने के बाद तिहाड़ जेल उनके रिलीज का ऑर्डर भेजा गया और उसके बाद सिसोदिया बाहर आए। बड़ी संख्या में देखिए कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ स्कूल के बच्चे भी जेल में रहे।